प्रख्यात शोमैन राज कपूर को याद किया रीवा ने उनके जन्मदिन पर, काटा केक मनाई खुशियां कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में, पेश है रीवा दर्शन की खास प्रस्तुति। चलो श्याम, अरे जाओ उधर खड़े हो जाओ, उधर खड़े हो जाओ, बिल्कुल सबके सब एक साथ गाएंगे, जीना यहाँ मरना यहाँ।
राज कपूर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के ग्रेटेस्ट शोमैन। राज कपूर का जन्म पेशावर में 14 दिसंबर सन 1924 को हुआ था। पृथ्वीराज कपूर की पेशावर में खानदानी हवेली थी। पृथ्वीराज कपूर कलाकार थे। किस्मत आजमाने आ गए मुंबई। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और वे मुंबई की फिल्मी दुनिया में जम गए। रीवा के कला प्रेमियों को उस दौर के रंगमंच से रूबरू कराने के लिए पृथ्वीराज कपूर की नाटक कंपनी इस शहर में पहुंची थी। उनके साथ दोनों बेटे राज कपूर और शम्मी कपूर भी थे। शम्मी उस समय 15 साल के और राज कपूर 20 साल के थे। पेशावर से ही एक और परिवार आया, मल्होत्रा परिवार, जो जबलपुर में आ बसा। पृथ्वीराज कपूर के हम उम्र करतार नाथ मल्होत्रा आईजी हुए रीवा राज्य के और रीवा में एक बंगले में रहने लगे। दोनों परिवारों में आपस में रिश्तेदारी भी थी। पृथ्वीराज कपूर उनके अतिथि बन गए। मेहमान नवाजी से शुरू हुआ पहचान का सिलसिला आगे चलकर रिश्ते में बदल गया। करतार नाथ सिंह की चौथी लड़की कृष्णा मल्होत्रा का व्याह पृथ्वीराज कपूर के बड़े बेटे रणवीर राज कपूर से तय हुआ। कृष्णा मल्होत्रा के भाई ख्याति प्राप्त कलाकार प्रेमनाथ और राजेंद्र नाथ मल्होत्रा थे। इन कलाकारों और रीवा से राज कपूर के साथ ही उनके छोटे भाई शम्मी कपूर का आत्मीय रिश्ता जुड़ गया था। पृथ्वीराज कपूर की यह रंगमंचीय यात्रा से कपूर खानदान और रीवा का रिश्ता प्रगाढ़ हो गया। राज कपूर ने कृष्णा को पहले भी देखा था सफ़ेद साड़ी में, एक हवाई जहाज में सफ़र करते, और वो छवि उनके मन में बस गई। तभी तो उनकी हर फिल्म में उनकी नायिका सफ़ेद साड़ी में कहीं ना कहीं ज़रूर दिखी। उस वक्त राज कपूर की उम्र 22 वर्ष की थी और कृष्णा की केवल 16। रीवा में बारात आई, पूरा नगर दुल्हन की तरह सज गया। आईजी करतारनाथ मल्होत्रा का बंगला नगर से गुजरने वाले राजमार्ग क्रमांक 7 के किनारे था। यह शादी मई माह में सन 1946 में हुई थी। शादी के वक्त राज कपूर की छवि एक उदयमान अभिनेता की बन चुकी थी। तभी तो सिनेमा की एक पत्रिका सिनेमा इंडिया ने अपने जून 1946 के अंक में लिखा था, पृथ्वीराज के प्रतिभाशाली और संभावनाओं से भरे बेटे ने रीवा में मई के दूसरे सप्ताह में कृष्णा मल्होत्रा से शादी करके अपने करियर का अंत कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कृष्णा के कदम कपूर खानदान के परिवार में पड़ते ही जो भी हुआ शुभ हुआ। कृष्णा हर मामले में कपूर खानदान के अनुकूल उनकी पारिवारिक परंपराओं को पालने में समर्थ साबित हुई। बहुत कम लोगों को जानकारी है कि राज कपूर और कृष्णा कपूर ने अपनी बेटी का नाम रीवा से प्रभावित होकर रीमा रखा था। माना जाता है कि इस शहर की स्मृतियों को संजोए रखने के लिए बेटी को यह नाम दिया गया था।
ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। मनोरंजन के लिए आप बने रहिए रीवा दर्शन के साथ। नमस्कार। खबर वो जो सही रास्ता दिखाती है, वो नहीं जो अनदेखी अनसुनी है। खबर वो जो निकल कर सामने आती है। हर छोटी बड़ी खबर पर नजर, जिसका ताल्लुक आपसे। वो नहीं जो केवल बड़े बोल बोलती है। खबर वो जो भ्रष्टाचार को उजागर करती है। खबर वो नहीं जो केवल सनसनी फैलाती है। सच्चे और सही रास्ते से गुजर कर जो लाए सही पहचान, यही है रीवा दर्शन की पहचान।